करीबा बांध दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है, जो दक्षिणी अफ्रीका में जाम्बेजी नदी के बीच जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच स्थित है। यहाँ करीबा बांध के बारे में कुछ विस्तृत जानकारी है। स्थान: करीबा बांध जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच सीमा पर स्थित है, जाम्बेजी नदी को अभिव्याप्त करता है। यह विश्व के सबसे बड़े जलप्रपातों में से एक, विक्टोरिया फॉल्स से लगभग 130 किलोमीटर 81 मील नीचे स्थित है, जो दुनिया के सबसे बड़े जलप्रपातों में से एक है। निर्माण: करीबा बांध का निर्माण 1955 में शुरू हुआ और 1929 में पूरा हुआ। यह परियोजना ब्रिटिश कॉलोनियल सरकार, रोडेशिया और न्यासालैंड के संघ और उत्तरी रोडेशिया अब जाम्बिया और दक्षिणी रोडेशिया अब जिम्बाब्वे की स्थानीय सरकारों के बीच सहयोगी प्रयास था। बांध का प्रमुख उद्देश्य जाम्बेजी नदी के प्रवाह को नियंत्रित करना और जल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करना था। आयाम: करीबा बांध एक शानदार संरचना है, जो ऊंचाई में 148 मीटर 420 फीट और लंबाई में 570 मीटर 1900 फीट की लंबाई पर खड़ा है। इसका जलाशय लेक करीबा दुनिया के अधिकतम आयाम के अनुसार एक अधिक बड़े जलाशयों में से एक है, जिसकी क्षमता लगभग 185 घन मीटर 84.4 घन वर्ग मील का पानी है। जल विद्युत ऊर्जा: करीबा बांध का एक मुख्य कार्य है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर उत्पन्न करना। बांध के जाम्बियाई और जिम्बाब्वेई ओर 6 जनरेटर हैं, जिसमें कुल एक गौड़े 126 मेगावाट की स्थापित क्षमता है। यह ऊर्जा जाम्बिया और जिम्बाब्वे के लिए महत्वपूर्ण है। इससे औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय उपयोग के लिए बिजली प्रदान की जाती है। लेक करीबा: करीबा बांध के निर्माण से लेक करीबा का निर्माण हुआ, एक विशाल जलाशय जो लगभग 5,580 वर्ग किलोमीटर 2,150 वर्ग मील का होता है जब यह पूर्ण होता है। यह न केवल सिंचाई और मत्स्य पालन के लिए पानी के स्रोत के रूप में काम करता है, बल्कि नाविकता, मत्स्य पालन और जल विहार की सुविधा भी प्रदान करता है। रख रखाव और अपग्रेड: वर्षों के दौरान करीबा बांध का रख रखाव और सुधार किया गया है, ताकि इसकी संरचना का निर्माण किया जा सके और इसका चालन जारी रहे। हाल के सालों में उम्रदराज संरचना और अस्थिरता के संभावित खतरे के कारण इसकी सुरक्षा के बारे में चिंताएं उत्पन्न हुई हैं, जिससे अपग्रेड और जोखिम कमी के उपायों को लागू करने के प्रयास किए गए हैं। मुझे आशा है कि आपको मेरे वीडियो पसंद आएंगे और आप मेरे चैनल का समर्थन करना चाहेंगे। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आप मेरे नए वीडियो सबसे पहले देख सकें। आपका समर्थन मुझे और भी बेहतर सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद।